अभी सिर्फ 5 मिनट रह गई है, टिकट हमें मिल गई है तो चलते हैं बाहर। चलती है इंग्लिश मूवी यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक बंगाली ने लगाई है लियो मूवी। बाकी क्या बात है, यहाँ से हम बटन दबाएंगे अभी ये हॉस्टल आ जाएगी। चीज़ें बहुत महंगी हैं, हर चीज़ जो 10 रुपये वाली है कम अज़ कम 50 रुपये में मिलेगी। हाँ जी, पैसा ही पैसा है तो फिर आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, वरना सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैंने तो पैसों की बचत करते हुए जाना है। मज़ा आ गया यार, सारी थकावट जो है ना उतर गई है, थकावट गई थी रात को, नींद भी पूरी नहीं हुई। हो गया, मैंने फैजाबाद बस स्टेशन पे उतरना था तो यहाँ पे उतर गया हूँ। किसी ने बताया कि यही फैजाबाद स्टेशन है, तो अभी इस बस पे जा रहे हैं। वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं सब, ठीक ठाक? खैर खैरियत से आपका भाई भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का हमारा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब है, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए शिराज से मिलने के लिए। लगता ही है पागल हो गया। शिराज का तो आपको बच्चा पता है, जो कि बच्चा बहुत फेमस है, उससे मिलने के लिए, मीटअप करने के लिए अभी मैं निकल रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। पहले जाएंगे हम इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में 1-2 दिन ठहरेंगे, वहाँ से फिर आगे गिलगित के लिए, गिलगित से आगे फिर उसके गाँव। तो बहुत लंबा तवील सफ़र है हमारा, साथ रहिएगा। सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सॉरी सॉरी। लाइक शेयर लाजमी करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जितने भी आने वाले व्लॉग्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं अभी, साथ रहिएगा लाजमी, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपके भाई को। तो भी उधर जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि अपना चैनल जो है ना दौड़ने लग जाए, और आप लोगों को भी इंजॉय करवाया जाए, पहाड़ों की सैर करवाई जाए, अच्छे से व्यू दिखाया जाए। तो चलते हैं फिर, आ जाओ। ठोकर बाईपास पे पहुंच गया हूं, और पिछली दफ़ा जब मैं आया था बालाकोट से तो इस्लामाबाद वाली बस ने मुझे यहां पे उतारा था फैसल मूवर पे। अब अल्लाह करे यहीं से मैं बस मिल जाए, ये ना हो कि यहाँ से इस्लामाबाद नहीं जाती। ये अभी पहुँच गए हैं फैसल मूवर पर, तो आगे पता करते हैं। अभी यहाँ से मैं टिकट ले रहा हूँ और बस भी निकल रही है, अभी शुक्र है टाइम पे पहुँचे हैं, 10:30 बजे बस निकली है, तो अभी सिर्फ 5 मिनट रह गई है, टिकट हमें मिल गई है, तो चलते हैं बाहर। बस सामने खड़ी हुई है बस, टिकट ट्रैक नंबर 2 पे, वो सामने। ये बैग तो रखना भाई, ये वाला बड़े वाला था। थैंक यू, पर्ची मुझे मिलेगा ना टोकन? ये टोकन वो मिल गया, बैग रख दिया, बस अल्लाह पाक खैर किए से हमें लेके जाए। और ये वाली बस है, ये सीट मिल गई हमें 18 नंबर, और ये बिजनेस क्लास है माशाल्लाह। ये भाई हमारे साथ जाएंगे जी, ये मेरे मतलब साथी हैं, साथ वाले जाएंगे। बाकी यहाँ पे हम गाने सुनते हैं, मूवी शूवी देखते जाएंगे, बड़ा मज़े का सफ़र गुजरने वाला है। अभी थोड़ी देर तक निकले वाली, 5 मिनट रह गए बस। बस यो जी है, चल चुकी है, रवाना हो चुकी है बस। अब मज़े से यहाँ पे मूवी भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं भाई, मज़े मज़े हैं, मज़ा आया, क्या बात है, बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे बस में भी मैं बोर नहीं हो रहा, मूवी लैपटॉप पे लगाई है, इधर भी मूवी चलती है इंग्लिश मूवी, यहाँ पे मैंने एक बंगाली ने लगाई है लियो मूवी। बाकी क्या बात है, यहाँ से हम बटन दबाएंगे अभी ये हॉस्टल आ जाएगी। ये पानी भी देखी गई है भाई, फुल सच के मज़े हैं, क्या बात है। अब यहाँ पे 15 मिनट का स्टे है, चलते हैं नीचे, नीचे भी आपको व्यू दिखाते हैं कि किस जगह पे अभी हम ठहर रहे हैं, किस जगह पे भी रुकना है। हीरा पहुँच चुके हैं, ये चेक करें, ये बैक साइड है, आगे से भी आपको दिखाते हैं। आज फिर पहले सुसू आया है बहुत तेज, पहले सुसू कर लें जी, क्या बात है। और यहाँ पे हाथ कुछ करने के लिए मशीन भी लगी हुई है। चल जा भाई, मेरी बारी चलती नहीं थी, और चल अपने कुछ कर सकते हैं, ऐसे तौलिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्या बात है। पे चीज़ें बहुत महंगी हैं, हर चीज़ जो 10 रुपये वाली है कम अज़ कम 50 रुपये में मिलेगी। हाँ जी, पैसा ही पैसा है तो फिर आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, वरना सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैंने तो पैसों की बचत करते हुए जाना है, जितनी बचत हो सके, क्योंकि वहाँ पे गिलगित जाना है आगे, वहाँ पे स्टे भी करना है, बड़े मसले मसाइल हैं भाई, रिस्क लेके जा रहा हूँ, और सपोर्ट करना है भाई को जितना हो सके। ये देखें जी,
यहाँ पे मैकडोनल्ड्स, फूड फोरम, KFC, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। जैसे कि एयरपोर्ट प्रोटोकॉल होता है ना, एयरपोर्ट की तरह का व्यू होता है, बिल्कुल वैसे ही है। चेक करो ज़रा, ये देखो कैफ़े शेफे जूस हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। यहाँ पे टूर्स वाले भी यहाँ पे रुके हुए हैं, जो टूर पे जाते हैं बाहर गिलगित या ऐसी जगह पे घूमने फिरने के लिए, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। ये चेक करो ज़रा, उस सामने खैबर जियो शंबारी मोर रिजॉल्व टू रिबिल्ड। हाँ यार, बड़ी खूबसूरत जगह वैसे ये भी। भेरा भी पहले मैं आया था, जैसे कि सिद्धर आप ही के साथ, वो मैंने आपको दिखाया था सारा उनके साथ, हमने बड़ा यहाँ पे एंजॉय किया था। भेरा में मशीन भी ट्राई की थी, मसाज मशीन, ज़ीरो नाम था उस मशीन का। बैठते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस में बैठ जाते हैं आराम से, एसी चल रहा है, मौजे मौजे। भेरा से अभी रवाना हो रहे हैं, खैर से चल भेरा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जिंदगी रही तो मिलेंगे भेरा तुझे भी कभी, हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। भाई व्हाट अ सीन यार, क्या बात है, कसम से मज़ा आ गया। वैसे ये बड़े बड़े पहाड़, इतने खूबसूरत, क्या नज़ारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार। आए हाय हाय, अभी यहाँ पे पुल आएगा, पुल के ऊपर से गुजरेंगे जी, मज़ा आ गया यार। सारी थकावट जो है ना उतर गई है, थकावट रही थी रात को, नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन जब ऐसे व्यू देखने को मिले तो वही बंदा सारी उम्र जाग सकता है। आए हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। हैं जी, ओए होए होए, ये पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, अगर पुल टूट जाए तो क्या बनेगा। अल्लाह मियाँ, इस पुल को हमेशा हमेशा के लिए आबाद रखना, इसकी उम्र लंबी से लंबी रखना। बड़ा सीन भाई, चेक करो जरा, पत्थर के पहाड़, गोल मोल घूमती हुई सड़कें, कभी ऐसे घूम रही है, कभी ऐसे ही घूम रही है, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद टूल प्लाजा क्रॉस कर लिया है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हमने जाना है, होटल है यहाँ पे अलास्का होटल पे जाएंगे, वहाँ पे जाके फिर मुलाकात होगी। मसला हो गया, मैंने फैज़ाबाद बस स्टेशन पे उतरना था तो यहाँ पे उतर गया हूँ, किसी ने बताया कि यही फैज़ाबाद स्टेशन है। तो अभी इस बस पे जा रहे हैं, उसी टिकट के साथ ही मैंने बात की ऑपरेशन वालों से, लेकर उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, तो बात करते हैं यार। इसमें जगह मिल गई है और जाके इंशाल्लाह बस स्टेशन पे फिर आपसे मुलाकात होगी। यार फैज़ाबाद पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद जो फैज़ाबाद बस स्टेशन है वहाँ पे, अभी उधर साथ ही दोस्त है, उसने होटल में रूम बुक करवाया हुआ है, वहाँ पर चलते हैं, घूमते हैं। पहले होटल है तो पास ही, लेकिन लोकेशन पूछनी पड़ेगी। पे ही हमारा जो है ना होटल है, यहाँ पर रूम बुक है, और यहाँ पे छोड़ने के लिए ना, हालांकि सिर्फ एक मिनट का सफ़र था छोड़ने के लिए, यहाँ पे बाइक वाला 200 मांग रहा था। मैंने ऐसे देखा था, ये इस गली में है कश्मीरी होटल, बाकी चेक करो क्या बात है यार, बड़े प्यारे यहाँ पे चीज़ें लगी हैं माशाल्लाह। होटल ही होटल है, मैं ज़रा देख लें, पहले होटल देख लें यार, ढूँढ लें पहले। फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें होटल मिल गया, और अभी अपने रूम में जाते हैं, रेस्ट करते हैं। ये इमरान अंकल हैं, इनका उन्होंने बताया था भाई ने कि इनसे जाके मिल लेना। तो फाइनली अपना सफ़र जो है ना, आधा है हमारा जो है वो तो अब गुजर गया है, अभी यहाँ पे रेस्ट करेंगे कल तक, फिर आगे कोई प्लान बनाते हैं। अब फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमरे में अपने रूम में पहुँच गया हूँ, जिस होटल में मेरा रूम बुक था वहाँ पर पहुँच गया हूँ, और थकावट भी होगी यार, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई इंतहा की, मैं आपको बता नहीं सकता, कसम से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। सुबह का नाश्ता नहीं किया, अभी 5 बज रहे हैं, सुबह का उठा हूँ तो मैं सिर्फ आया हूँ बस स्टेशन पे, बस पे बैठा और इधर आ गया हूँ, निकल आया हूँ। तो आप लोगों के साथ और सपोर्ट की आपके भाई को बहुत ज़रूरत है, तो
अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपने भाई को कुछ तो हौसला अफजाई दें यार, आप लोगों का साथ चाहिए प्लीज़। तो इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग आएंगे वो बहुत मज़े के होंगे। प्लान हमारा घर से यही बना हुआ है कि हमने जाना है गिलगित बल्तिस्तान शहराज से मिलने के लिए, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, लाजमी कर लें। आपका भाई बहुत मेहनत करता है, बहुत मशक्क़त करता है, बहुत 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 मेहनत करता है। तो अभी बस खाना मंगवाता हूँ, खाना खा के फिर रेस्ट करते हैं, सोते हैं। अभी 5 बज रहे हैं, अभी कहीं भी बाहर जाने का मूड नहीं है। अगर गए तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा, कल वाले ब्लॉग में आपको इंशाल्लाह सैर करवाऊँगा। तो आज बस सिर्फ इधर कमरे में ही गुजरने वाला है, क्योंकि थकावट हुई है, भूख भी बहुत लगी। खाना मंगवा के खाना खा के बस मैं सो जाऊँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।